टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी वाटर पंप। प्राइमरी वाटर पंप का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका इंटरलॉक प्रोटेक्शंस क्या है और इसका क्या फंक्शंस है, सारा डिटेल्स हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए, प्राइमरी वाटर पंप जो आपका प्राइमरी वाटर सिस्टम है हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो प्राइमरी वाटर सिस्टम इज यूज्ड फॉर द कूलिंग ऑफ स्टेटर वाइंडिंग, फेस कनेक्टर, मेन बुशिंग एंड दिस प्राइमरी वाटर इज सर्कुलेटेड इन ए क्लोज सर्किट बाय दिस प्राइमरी वाटर पंप टू इंश्योर अनइंटरप्टेड जनरेटर ऑपरेशन। देर आर टू प्राइमरी वाटर पंप आर प्रोवाइडेड एंड एटलीस्ट वन पंप शुड ऑलवेज बी इन रनिंग कंडीशन। इन केस ऑफ ट्रिपिंग ऑफ वन प्राइमरी वाटर पंप द स्टैंड बाय पंप व्हिच इज अवेलेबल फॉर द सर्विस विल बी स्टार्टेड ऑटोमेटिकली एंड टू मेंटेन द प्राइमरी वाटर फ्लो टू द स्टेटर वाइंडिंग, फेस कनेक्टर एंड द मेन बुशिंग। मतलब प्राइमरी वाटर सिस्टम आपको हमेशा सर्विस में हो रखना है, अगर एक पंप ट्रिप किया तो सेकंड पंप को आपको स्टार्ट कर देना। तो इस पंप का हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। प्राइमरी वाटर पंप किस टाइप का पंप होता है उसको हम लोग देखते हैं। द प्राइमरी वाटर पंप आर ऑफ ए सिंगल स्टेज पंप है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप है विथ स्पाइरल केसिंग एंड ओवरहंग इंपेलर। प्राइमरी वाटर पंप जो है वो सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल टाइप है विथ स्पाइरल केसिंग एंड ओवरहंग इंपेलर है। पंप सक्शन इज अरेंज एक्सेली। इसमें पंप का जो सक्शन होता है वो आपका पंप के एक्सिस के अलोंग होता है, बट द डिस्चार्ज इज डायरेक्टेड रेडियली अपवर्ड। बट डिस्चार्ज आपका रेडियली अपवर्ड होता है, मीन्स आपका जैसे ये पंप है तो सक्शन ऐसे हो रहा है और रेडियली आपका डिस्चार्ज है। द पंप इंपेलर इज प्रोवाइडेड विथ रिलीफ होल क्लोज टू द हब। इसमें क्या होता है कि पंप के इंपेलर में हब के पास एक छोटा सा रिलीफ होल्स होता है, सो दैट आपका नो एक्सियल थ्रस्ट इज कैरीड बाय द बियरिंग। इसके बियरिंग में कोई भी आपका एक्सियल थ्रस्ट नहीं होता है, उस होल के कारण क्या होता है आपका बैलेंस कर लेता है। द पॉइंट द वेयर द पंप शाफ्ट इज पासेस थ्रू द पंप केसिंग इज सील्ड बाय द वाटर कूल्ड स्लाइड रिंग ग्लैंड एंड द कूलिंग वाटर इज सप्लाइड टू द वाटर सील्ड ग्लैंड रिंग इज टू द बाईपास फ्रॉम द पंप डिस्चार्ज। मीन्स आपका जहां पे पंप का शाफ्ट पंप केसिंग में अंदर जाता है उस पॉइंट को सीलिंग करने के लिए आपका एक स्लाइड रिंग ग्लैंड होता है, ठीक है। क्योंकि आपको उसको एयर से एयर टाइट होना चाहिए पंप, आपको कहीं से भी सीलिंग ना हो। अगर वो वाटर एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन तो ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि उस पॉइंट को जहां पे वो शाफ्ट पंप के अंदर जाता है उस पॉइंट को सीलिंग करने के लिए एक आपका स्लाइड रिंग ग्लैंड होता है और उसमें जो वाटर का जो सप्लाई होता है वो एक बाईपास लाइन है पंप से, उसको टैपिंग लेके इसमें सप्लाई कर दिया जाता है। एंड द पंप शाफ्ट इज सपोर्टेड इन ए ऑयल लुब्रिकेटेड एंटी फ्रिक्शन बियरिंग होता है, उसी पे आपका ये शाफ्ट सपोर्टेड होता है। तो टेक्निकल डाटा देखते हैं अगर कि ये तो ठीक है सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ पंप है, स्पाइरल केसिंग। इसका स्पीड जो है 2950 आरपीएम रहता है। कैपेसिटी और हेड पे आपको देखना है, मेन पॉइंट है। इसका कैपेसिटी है 70 एमक्यू पर आवर। इस पंप का जो कैपेसिटी है 70 एमक्यू पर आवर और डिस्चार्ज हेड मींस प्रेशर जो है वो 8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। प्राइमरी वाटर पंप का हम लोग इंटरलॉक प्रोटेक्शन देखते हैं। तो देखिए इसको पहले देखते हैं प्राइमरी वाटर पंप एक नंबर का, इसका स्टार्ट परमिसिव क्या है। प्राइमरी वाटर टैंक का लेवल ग्रेटर देन 155 mm हो जाए, 155 mm हो जाए तो आपको स्टार्ट परमिशिव इसका मिल जाएगा। मैं स्टार्ट परमिशिव के लिए सिर्फ प्राइमरी वाटर टैंक लेवल देखता है। टैंक का लेवल अगर ग्रेटर देन 155 mm है तो आपको स्टार्ट परमिशिव दे देगा। ऑटो स्टार्ट का होगा, इसको देखिए। ऑटो स्टार्ट के लिए पहला जो लॉजिक है, कंडीशन है कि SLC ऑन होना चाहिए। SLC तो आपको हमेशा ऑन रखना ही है। साथ ही प्राइमरी वाटर पंप 2 अगर ऑफ हो जाए या ट्रिप हो जाए, मान लीजिए कि SLC ऑफ प्राइमरी वाटर पंप 1 जो ऑन है एंड प्राइमरी वाटर पंप 2 मान लीजिए रनिंग कंडीशन में है, किसी कारण से अगर प्राइमरी वाटर पंप 2 नंबर जो रनिंग था वो अगर ऑफ हो जाए या ट्रिप हो जाए तो आपको कमांड जाएगा ऑटो स्टार्ट का, किस पे? प्राइमरी वाटर पंप 1 नंबर में। सेकेंड जो लॉजिक है देखिए, अगर SLC ऑफ प्राइमरी वाटर पंप 1 ऑन है और प्राइमरी वाटर पंप 2 नंबर भी ऑन है, टाइम डिले मतलब 10 सेकेंड हो सका है उसका रनिंग का, एंड प्रेशर आफ्टर प्राइमरी वाटर पंप 2 लेस देन 5 सेकेंड है, 10 सेकेंड तक टाइम डिले,
मीन्स एसएलसी और प्राइम वाटर पंप एक नंबर ऑन है, प्राइमरी वाटर पंप दो नंबर आपका रनिंग कंडीशन में, बट प्रेशर जनरेट नहीं कर रहा है। प्रेशर अगर लेस देन 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे तो प्रेशर उसका 8 केजी होना चाहिए, अगर प्रेशर लेस देन 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर है तो आपका ऑटो स्टेट का मान जाएगा प्राइम वाटर पंप 1। ये इंटरलॉक प्रोटेक्शन है प्राइमरी वाटर पंप 2 का, इसका भी सेम है जैसे आपका प्राइमरी वाटर टैंक प्राइमरी वाटर पंप 1 का था। स्टार्ट परमिसिव है कि प्राइमरी वाटर टैंक का लेवल ग्रेटर देन 155 mm है तो आपका स्टार्ट परमिसिव आ जाएगा। स्टार्ट परमिसिव जब तक इसका लेवल प्राइमरी वाटर टैंक का लेवल 155 से ग्रेटर नहीं होगा स्टार्ट परमिसिव नहीं आएगा, आप उसको चला नहीं सकते हैं। ये इसके प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है। ऑटो स्टार्ट कमांड कब जाएगा, देखिए फर्स्ट एसएलसी ऑफ प्राइमरी वाटर पंप 2 ऑन हो एंड प्राइमरी वाटर पंप 1 चल रहा हो, मतलब सॉरी प्राइमरी वाटर पंप 1 ऑफ हो या आपका ट्रिप कर जाए, मीन एसएलसी ऑफ प्राइमरी वाटर पंप 2 ऑन हो एंड प्राइमरी वाटर पंप मान लीजिए 1 चल रहा था वो ऑफ हो गया किसी कारण से या ट्रिप हो गया तो आपका ऑटो स्टार्ट कमांड जाएगा प्राइमरी वाटर पंप 2 नंबर में। सेकेंड लॉजिक क्या है, सेम एसएलसी ऑफ प्राइमरी वाटर पंप 2 ऑन हो, प्राइमरी वाटर पंप ऑन 1 रनिंग कंडीशन में 10 सेकेंड हो चुका है उसको चले हुए एंड प्रेशर आफ्टर प्राइमरी वाटर पंप 1 लेस देन 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, टाइम डिले ऑफ 10 सेकेंड, तो ऑटो स्टार्ट कमांड जाएगा प्राइमरी वाटर पंप 2 में। वो तो देख लेगा कि भाई पंप चल रहा है प्रेशर जनरेट नहीं कर रहा है, 10 सेकेंड देख लिया पंप का चले हुए भी 10 सेकेंड हो चुका है तब भी प्रेशर जनरेट नहीं कर रहा है तो आपका ऑटो स्टार्ट कमांड प्राइमरी वाटर पंप 2 में चला जाएगा। प्राइमरी वाटर पंप 2 का स्टॉप परमिसिव देखते हैं, आप कब इसको स्टॉप कर सकते हैं। मान लीजिए कि प्राइमरी वाटर पंप आपका 2 नंबर सर्विस में है और आपको स्टॉप करना है, स्टॉप परमिसिव कब देता है। पहला कंडीशन है कि प्राइमरी वाटर पंप 1 नंबर चल रहा हो एंड प्रेशर आफ्टर द प्राइमरी वाटर पंप 1 उसका डिस्चार्ज प्रेशर ग्रेटर देन 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, टाइम डिले 5 सेकंड तक देखेगा, उसके बाद ही आप इसको स्टॉप परमिसिव कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका पंप 1 चल रहा था, पंप 2 भी आपका स्टार्ट हो गया और आपको उसको स्टॉप करना है तो स्टॉप परमिसिव जब तक नहीं आएगा आप दूसरे पंप को स्टॉप नहीं कर सकते हैं। तो उसका स्टार्ट स्टॉप परमिसिव है कि मान लीजिए कि आपका प्राइमरी वाटर पंप 1 नंबर सर्विस में होना चाहिए एंड प्रेशर आफ्टर द प्राइमरी वाटर पंप 1 शुड बी ग्रेटर देन 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेकंड का टाइम डिले, उसके बाद ही आपको उसमें आपका स्टॉप परमिसिव आएगा या आप एसएलसी ऑफ कर दीजिए। प्राइमरी वाटर पंप 2 का एसएलसी अगर आप ऑफ कर देते हैं तो आपको स्टॉप परमिसिव आ जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्शन स्टॉप क्या है कि अगर प्राइमरी वाटर टैंक का लेवल लेस देन 150 mm आ जाए, ठीक है, 155 से ज्यादा होने पर स्टार्ट परमिसिव आता है, लेकिन जैसे लेस देन 150 mm आ गया तो आपको प्रोटेक्शन में स्टॉप कर देगा, तो देख लेगा कि कहीं तो लीकेज हो गया है, प्राइमरी वाटर टैंक का लेवल डिक्रीज हो गया है, तो पंप को आपको डैमेज होने से बचाने के लिए आपका प्रोटेक्शन में स्टॉप चला जाएगा। तो सिमिलरली आपका प्राइमरी वाटर पंप 1 नंबर का भी यही रहेगा, आपका स्टॉप परमिसिव अगर अगर हम 1 का देखें तो सेम यही रहेगा कि अगर प्राइमरी वाटर पंप 2 ऑन है और प्रेशर आफ्टर प्राइमरी वाटर पंप 2 ग्रेटर देन 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा तभी आप प्राइमरी वाटर पंप 1 को स्टॉप कर सकते हैं या आप एसएलसी और प्राइमरी वाटर पंप 1 का ऑफ कर दीजिए तभी आपको स्टॉप परमिसिव देगा। ऐसे आप स्टॉप समझेगा कि आपका तो प्रेशर ही नहीं है आप क्यों बंद कर रहे हैं, तो आप तो इंटरलॉक प्रोटेक्शन है कि आप अगर गलती करना चाहें भी आपको गलती होने के लिए नहीं देगा। तो सब जगह आपका जब तक इसका परमिसिव नहीं आएगा आप ना किसी पंप को स्टार्ट कर सकते हैं ना स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप प्रोटेक्शन में भी स्टॉप चला जाता है जैसे आप देखिए आपका प्राइमरी वाटर टैंक लेवल अगर लेस देन 150 mm हुआ तो प्रोटेक्शन आपको स्टॉप नहीं करना है, खुद ऑटो में स्टॉप कमांड चला जाएगा और पंप को सेव कर देगा, डैमेज होने से प्रिवेंट कर देगा। देखिए कहीं कहीं ये लॉजिक किसी किसी पावर प्लांट में ये लॉजिक इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है, कहीं कहीं है तो अपना देख लीजिएगा कि प्राइमरी वाटर टैंक लेवल का सिस्टम है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने आपने डिटेल पढ़ा कि प्राइमरी वाटर पंप किस टाइप का पंप होता है, उसका डिस्चार्ज कैपेसिटी क्या है, उसका प्रेशर हेड कितना होता है और उसका इंटरलॉक प्रोटेक्शन क्या होता है। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी वाटर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर उसका लाइन डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। थैंक यू।